दोस्तों डीयू एडमिशंस का अपडेट लेके आया हूँ इस वीडियो में। देख सकते हैं डीयू इतना दिन पर दिन फेमस होते जा रहा है कि 1324 एप्लीकेशंस आए हैं फॉरेन से। फॉरेन मतलब इंडिया से बाहर से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए एप्लीकेशंस आए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एप्लीकेशंस फॉर्म कब तक आने की उम्मीद है। तो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली जो स्किल्स यूनिवर्सिटी है उसका फॉर्म निकला हुआ है। इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं 6000 सीटें हैं। कितना? 6000। यहां देख सकते हैं DSEU विल एनरोल 6000 स्टूडेंट, सेज ऑनरेबल डिप्टी CM श्री मनीष सिसोदिया जी। तो दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, मास्टर कोर्सेज है, जिसको PG कोर्सेज भी कहते हैं। और इसमें वही पढ़ाया जाएगा जो आजकल की डिमांड है, आज की जरूरत है, और वैसा कोर्स जिसके बेसिस पे आप जॉब कर सकते हैं। वैसा कोर्स नहीं कि सिर्फ नाम का डिग्री हो और उस बेसिस पे ना जॉब लगे ना अपना बिजनेस खोले। तो दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में ऑप्शंस है। अभी देखिए सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस आए हैं वो अफगानिस्तान से आए हैं। किससे? अफगानिस्तान से। इसके अलावा आप देखेंगे दुनिया का जो टेक्नोलॉजी वाला देश है, जैसे जापान है, जॉर्डन है, इराक है, इंडोनेशिया है, चाइना है, यहां से भी एप्लीकेशंस आए हैं। इसके अलावा कंबोडिया है, भूटान है, चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, यहां से भी एप्लीकेशंस आए हैं। तो डीयू डे बाय डे दिन प्रतिदिन फेमस होता जा रहा है। और यहां पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक आपका अच्छा किक मिलता है, आपका एक अच्छा शुरुआत होता है करियर का। अभी यहां के जो वाइस चांसलर साहब है PC जोशी, ने उन्होंने कहा कि CUCT के लिए जो कमेटी बनी थी उसका कुछ तो आउटपुट निकल के आए, कुछ तो फायदा हो। इसके लिए इन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो CUCT के बारे में हम लोगों ने कमिटी ने रिपोर्ट दी थी ये रियलिटी में बदल जाए, यानी CUCT इस साल हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। तो वाइस चांसलर साहब PC जोशी जी ने कहा है कि 10 दिन के अंदर, ये न्यूज 3-4 दिन पहले का था, तो मुझे लगता है कि 5-6 दिन में ये डिसीजन आ जाएगा CUCT का कि DU में कैसे होने वाले हैं एडमिशन। अभी भी एम्बिग्यूटी बना हुआ है, यानी अभी भी मतलब हिच हाइकिंग हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है, डाउट में हम लोग है कि CUCT DU के लिए होगा या नहीं होगा। इसीलिए इसी तरह अब BHU में भी देख सकते हैं, BHU का जो VC साहब है वो भी CUCT के मेंबर्स थे। 7 लोगों की कमेटी बनी थी, 7 लोगों की कमेटी में DU के VC थे और BHU के VC थे। तो दोनों लोगों का देख लीजिएगा, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद CUCT इस साल हकीकत में चेंज हो जाए। तो बातचीतें चल रही है, JEE मेन का कैसे फॉर्म निकल के आ गया उसी तरह नीट भी आएगा, CUCT भी आ जाएगा, DU का आएगा, JNU का आएगा और BHU का भी फॉर्म आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में मौका है तो यहां पे जरूर आप अप्लाई कर लीजिएगा। और अप्लाई करके ऑप्शंस आपके पास रहेगा, लेना है तो DU में ले लीजिए, लेना है तो BHU में ले लीजिए, JNU में ले लीजिए या दिल्ली स्किल्स में लीजिए। सारे सरकारी जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटी है उसमें फीस कम है और करियर बहुत अच्छा है। करियर आपको बहुत अच्छे शुरुआत होती है अच्छे कॉलेज से, प्लेसमेंट भी अच्छा होता है, आपका माइंड सेट, ख्यालात, संस्कार, सब चीज अच्छा होने लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्राउड मोमेंट है तो लाइक कर दीजिएगा कि विदेश के भी लोग अपने देश में पढ़ना बहुत अच्छे से शुरुआत कर चुके हैं, कि अच्छे आने वाले समय में और भी फॉरेन स्टूडेंट आएंगे जामिया में, AMU में, BHU में, आते ही हर साल आप देखिए DU में 1324 एप्लीकेशन आए, यानी इनका एडमिशन होगा ही होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।